नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं अमृतसर में अजनाला स्थित गुरुद्वारा साहिब में चोर 7 लाख रुपए चोरी करने पहुंचे, लेकिन सेवादारों के जागने पर चोर भाग निकले। शातिर चोरों ने गुरुद्वारे के सीसीटीवी को भी उल्टा कर दिया था ताकि कैमरे में चोरी की घटना कैद ना हो, लेकिन चोर पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठे किए। गांव बलड़वाल के गुरुद्वारा बाबा गमचुक साहिब में 3 चोर अल सुबह 3 बजे चोरी करने पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी को उल्टा किया, फिर अंदर दाखिल हुए। चोर गुरुद्वारा साहिब की गोलक को खोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उतनी ही देर में सेवादार जाग गया, जिसके बाद चोर खाली हाथ वहां से भाग गए। गुरुद्वारा साहिब के सेवादार के मुताबिक गोलक में तकरीबन 7 लाख रुपए थे। तीनों चोरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी खंगाले, जिसमें चोर भागते हुए कैद हुए। सीसीटीवी में चोर गुरुद्वारा साहिब की दीवार से सटक कर निकलते दिख रहे हैं। मौके पर पहुंचे अजनाला थाने के SHO सुखजिंदर सिंह खैरा ने बताया कि जांच शुरू कर दी है। अन्य स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों की तलाशी की जा रही है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।